बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में लॉकडाउन होने की वजह से फैक्ट्रियाँ, कारोबार, दुकानें, मज़दूर तबका ये आगे ही गुरबत का शिकार था, और मज़ीद जब फैक्ट्रियाँ नहीं चलेंगी तो वो उसमें से तनख्वाहें कैसे देंगे, सैलरी पैकेज कैसे देंगे उन्हें। तो कई लोग तो दे रहे हैं और कई लोगों का बिल्कुल, जैसे दुकानदार उन्होंने आगे मजदूर रखे हुए थे, उनको तो उनका ख़ुद कारोबार बंद हो चुका है, तो वो दूसरों को कैसे सैलरी दे सकते हैं। आज मैं आपके साथ एक कारोबार शेयर करने जा रहा हूँ जिसमें आप अपने इलाके में ही बहुत आसानी से पैसा कमा सकते हैं और ठीक ठाक कमा सकते हैं। जितनी आपकी मेहनत होगी, जितनी आपकी स्ट्रगल होगी, आप उतना ही पैसा कमा सकते हैं, 4-5 हज़ार, 6 हज़ार और इससे मज़ीद ज़्यादा कमा सकते हैं डेली का। बिल्कुल आप यकीन नहीं करेंगे। और आपको करना बस थोड़ा सा काम है, आपने अपने नज़दीक तरीन जो अच्छे इलाके हैं, अच्छे इलाकों से मुराद के जहाँ पे लोग के पास ठीक इनकम है, उन्होंने वो घरों से बाहर निकलना नहीं चाह रहे, और मैं उन लोगों से भी गुजारिश करूँगा कि आप ख़ुद ना निकलें, एक ऐसा बंदा रख लें। अच्छा मैं आपको बताता हूँ कि आपने करना क्या होगा। आपने ऐसे इलाकों में जाना और उनको अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना और उनको ये बताना कि मैंने आपका घर का जो भी डेली का सामान है, चीनी, आटा, दूध जो भी है, वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा आपके दरवाज़े पे। तो आपने उनको अपने चार्जेस बता देने, आप 100 रुपया चार्जेस रखें और उनको बताएं कि आपके दरवाज़े पे ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। आप 50 घरों से रابطہ करें, अगर 50 घरों में से 40 लोग भी आपको कहते हैं कि हाँ ठीक है, तो आप इसका मतलब है कि 4000 डेली का कमा सकते हैं। और मैं उन लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि आप सब लोग घरों से मत बाहर निकलें। अगर एक इलाके में 100 घर हैं, 100 बंदे अगर बाज़ार में जाते हैं तो एक बहुत ज़्यादा रश बन जाता है। अगर एक ही बंदा सब चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दे तो आप उससे रابطہ करें। तो बहुत ही बेहतरीन आइडिया है, अगर 100 बंदे घरों से बाहर निकलने के, बेहतर यही है ना कि एक ही बंदा जाए। जो बंदा मतलब ये कारोबार करेगा अपनी सेफ्टी का ख्याल रखे, अपने ग्लव्स पहने, मास्क पहने और सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें, और दुकान पे भी जाए तो एक फ़ासले में रह के उससे सामान ले। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कारोबारी आइडिया पसंद आया होगा। तो मज़ीद भी मैं इस तरह के आइडिया आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, इसको आगे मज़ीद लोगों पे शेयर करें। मैं आपको सब्सक्राइब का बिल्कुल नहीं बोलूँगा, अगर आपको ये अच्छी लगेगी तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर देंगे इस चैनल को। फ़ी अमान अल्लाह, खुदा हाफिज़।